जहां पूरे देश में दतिया नशा मुक्त में नंबर वन बनकर सम्मानित हो रहा है, तो वहीं आए दिन नशे के अवैध कारोबारियों को पुलिस हवालात का रास्ता दिखा रही है। सियासत की सरपरस्ती में समाज कंटकों ने धवल पोशाक धारण करके नशा युक्त मादक पदार्थों का दो नंबरी व्यापार का मकर जाल समूचे जिले में फैला दिया है। परिणाम स्वरूप युवा पीढ़ी नशा करके अपना व देश का भविष्य अंधकारमय बना रही है। गौरतलब बात तो यह है कि नशा मुक्त भारत अभियान में दतिया जिले को पूरे देश में अव्वल रहने एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए 30 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर संजय कुमार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव को शील्ड व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया था। वहीं बीते दिनों कोतवाली व सिविल लाइन थानों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में किराने की दुकान व दिनारा रोड रेलवे स्टेशन के पुल के नीचे अवैध तरीके से गांजा बेचते हुए 3 आरोपियों को पकड़कर मामला पंजीबद्ध किया। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने 7,20,000 रुपए के अवैध देशी शराब पिकअप वाहन से बरामद कर प्रकरण पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ पुलिस ने वाहन चालक जयप्रकाश कुशवाहा निवासी रिछारी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की, तो यह पता चला कि आरोपी बिना परमिट के ग्राम जिगना में देशी शराब की 240 पेटी खपाने ले जा रहा था। समूचा जिला नशीले मादक पदार्थों का केंद्र बना हुआ है। सियासत के साय में समाज कंटकों का दो नंबरी कारोबार खूब फल फूल रहा है। डंडा विभाग के वरिष्ठों को भी हैरानी है कि निरंतर लगाम कसने के बावजूद भी बेशरम बेल की तरह दो नंबरी कारोबार पैर पसार रहा है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।